हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T2 प्रो फ़ोन है, तो वीवो T2 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स, फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को आप कैसे ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं वीवो T2 प्रो फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को आप ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन होंगे, तो आपको इसमें से जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क कैसे स्कैन कर सकते हैं। सिंपली आपके पास ये वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो वाईफाई ऑप्शंस का यूज़ करके क्यूआर कोड स्कैन करके ही वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव करेंगे। तो सिंपली आपको फ़ोन आइकन्स पे जाना है, तो फ़ोन आइकन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं तो जो भी नंबर आपके फ़ोन में ब्लैक लिस्ट में हो रखा है, तो उसको आप कैसे ब्लैक लिस्ट से रिमूव करेंगे। तो आपको सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं ब्लॉकेड नंबर। जो भी नंबर्स आपके फ़ोन में ब्लॉक हो रखा है, उसको आप कैसे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो नंबर है तो इसको आप यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, वो नंबर हमारा ब्लैक लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, या फिर किसी भी नंबर्स को ब्लॉक करना चाहें या ब्लैक लिस्ट में करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उस नंबर को टाइप कर देना जो भी नंबर आप करना चाहते हैं, और टाइप करके इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट में कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, और साथ में ब्लॉक भी कर सकते हैं नंबर को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।